सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट 12 जोम्बी मूवी कवर किया हूँ इस वीडियो में, जिसमें आपको डेडली सर्वाइवल स्टोरी, नेक्स्ट लेवल के हॉरर एंड एक्शन साइफाई थ्रिल देखने को मिलेगी। एंड आपको जोम्बी मूवी देखना पसंद है तो यार स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को थोड़ा सा मिस मत करना। एंड यार वीडियो चले तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी है डूम, जो 2005 में आई एक्शन हॉरर साइफाई मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है, एक अंतरिक्ष मरीन का समूह एक दुर्घटना स्थल जांच करने के लिए जाती है, बट यार ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे डीमन हैं। तो क्या वो खुद को बचा पाते हैं कि नहीं, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। 11th नंबर का मूवी है पेनिसोला, जो कि 2020 में एक एक्शन हॉरर थ्रिल मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है, दुनिया में कयामत आने के बाद लगभग 80% इंसान जोम्बी बन चुके हैं। एंड इसके बीच में एक सैनिक और उनके समूह किस तरह से इस जोम्बी के बीच में सर्वाइव करते हैं ना यार, देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो सस्पेंस एंड जो थ्रिल फील होती है ना, वो आपको लास्ट तक बांध के रखेगी। एंड ये मूवी आपको G5 पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। 10th नंबर का मूवी है रेसिडेंटल इविल वेलकम टू द रिकॉन सिटी, जो 2021 में एक एक्शन हॉरर साइफाई मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है, क्लेयर और उसका भाई क्रिस का, जो मरते हुए जोम्बी के बीच में रिकॉन सिटी में फंस जाते हैं। एंड वो किस तरह से खुद को बचाते हैं एंड अम्ब्रेला कंपनी के रहस्य किस तरह से सामने लाते हैं ना, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड ये मूवी आपको सोनी लिप पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। 9th नंबर का मूवी आर्मी ऑफ द डेड, जो 2021 में एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है, लास वेगास में जहाँ पर जोम्बी का कब्जा है, जिसके बीच में एक तिजोरी है जिसके अंदर 200 मिलियन है। एंड उसे चुराने के लिए एक टीम भेजी जाती है, बट ये ट्विस्ट तो तब आता है कि सारे जोम्बी दिमाग से तेज है। तो क्या 200 मिलियन जोम्बी के बीच में ला पाते हैं कि नहीं, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड इस मूवी का जो एक्शन सीक्वेंस है वो यार बाप लेवल की, जिसमें आपको थ्रिल आपको नेक्स्ट लेवल की फील कराएगी। एंड ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। 8th नंबर का मूवी है मेहम, जो 2017 में एक एक्शन कॉमेडी हॉरर मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में वायरस फैलने की वजह से लोग बेकाबू हो जाते हैं एंड लोग अपने कलीग को ही मारने लगते हैं। एंड उसके आगे जो आपको देखने को मिलेगा ना, नेक्स्ट लेवल की थ्रिल एंड जो एक्शन, वो आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। एंड ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। 7th नंबर का मूवी है रेनफील्ड, जो 2023 में आई कॉमेडी फैंटेसी हॉरर मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है ड्रैकुला और उसके शिष्य की, जो एक दिन एक चर्च में पादरी को मारते वक्त ड्रैकुला का पूरा शरीर जल जाता है। एंड उसके बाद ड्रैकुला के शिष्य उसके लिए डेली नए इंसान को मार के लाता था, बट ट्विस्ट तब आता है जब उसका शिष्य एक लड़की से मिलता है एंड उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। एंड उसका क्या होता है, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। 6th नंबर का मूवी है वार्म बॉडी, जो 2013 में आई कॉमेडी हॉरर रोमांस मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है, एक चुंबी शांत रहने वाली एक लड़की को जान से बचाता है एंड उसके बाद दोनों के बीच में संबंध बन जाता है, जिसकी वजह से मरे हुए इंसान जोम्बी के रूप में जिंदा होने लगते हैं। एंड उसका क्या हुआ, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। 5th नंबर का मूवी है वर्ल्ड वॉर जेड, जो 2013 में आई एक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी जो दुनिया भर में फैल रहे महामारी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि सरकार और पूरी सेना को नष्ट कर रहा है। तो क्या इस महामारी को रोक पाता है कि नहीं, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड यार इस मूवी की जो स्टोरी लाइन वो यार काफी ब्यूटीफुल, जिस तरह से इसका एक्शन सीक्वेंस से कोरियोग्राफ किया गया, जो इसका विजुअल वो यार नेक्स्ट लेवल की है। एंड यार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। 4th नंबर का मूवी है आई एम लेजेंड, जो 2007 में एक्शन हॉरर ड्रामा मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है, एक महामारी के वर्षों बाद लगभग सारे इंसान मर चुके हैं एंड न्यूयॉर्क शहर में मात्र एक इंसान इस वायरस के लिए एंटीडोट खोज रहा है। तो क्या वो इस एंटीडोट को खोज पाता है कि नहीं, इस इंसानियत को बचा पाता है कि नहीं, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड यार ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है।
थर्ड नंबर का मूवी है 28 डेज बिग लेटर, जो 2007 में एक एक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है ग्रेट ब्रिटेन में वायरस फैलने के 6 मंथ बाद यूएस आर्मी बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करके लंदन ले जाते हैं। बट जो ट्विस्ट तो तब आता है कि उस बचे हुए इंसान के बीच में भी वायरस फैल जाता है। एंड उसके बाद जो सस्पेंस जो थ्रिल देखने को मिलता है ना भाई साहब, वह मूवी लास्ट तक बांध के रखेगी। एंड ये मूवी आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी आईएमडी रेटिंग 6.9/10 है। सेकंड नंबर का मूवी है जॉम्बी लैंड, जो 2009 में एक एक्शन हॉरर कॉमेडी मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है शर्मीले स्टूडेंट की, जो उसे पता करना है कि उसके माता पिता जिंदा हैं कि नहीं। एंड उसको मुलाकात होता है एक जॉम्बी हंटर से। एंड उसके बाद जो एक्शन है जो एडवेंचर के राइड पर ये मूवी ले जाती है ना, वो यार नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस कराएगी। एंड ये मूवी आपको सोनी लिप पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी आईएमडी रेटिंग 7.6/10 है। फर्स्ट नंबर की मूवी भाई साहब कितनों बार देख लो मन ही नहीं भरता, हम बात करें ट्रेन टू बुसान, जो 2016 में एक एक्शन हॉरर थ्रिल मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है दक्षिण कोरिया में जोम्बी वायरस फैल जाता है, तो सियोल से बुसान तक ट्रेन में जो यात्री होते हैं ना, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं ना, आपको देख कर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड यार हर एक मोमेंट पर आपको जो थ्रिल जो हॉरर देखने को मिलेगा ना, वो यार नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस कराएगी। एंड ये मूवी आपको एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसकी आईएमडी रेटिंग 7.6/10 है। एंड यार आप लोग बताने की वीडियो कैसा लगा, एंड यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।